आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 17वां मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। 19 अक्टूबर यानी कि आज जो मुकाबला होना है वो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ होगा। भारतीय टीम ने लगातार विश्व कप 2023 में 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को 3 मैचों में सिर्फ 1 जीत मिली है। भारत की नजरें इस मैच में बांग्लादेश को हराकर 4थी जीत दर्ज करने पर होगी। बता दें कि भारतीय टीम इससे पहले अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को करारी मात देकर आई है, जबकि बांग्लादेश ने अपने शुरुआती मैचों में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। इसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से अगर बात करें दोनों टीमों के बीच, यानी कि दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले हुए हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो वनडे क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 40 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 31 मैचों में जीत हासिल की, वहीं बांग्लादेश को 8 मैचों में जीत मिली, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा जिसका कोई हल नहीं निकल सका। इस मैच में जो सबसे दिलचस्प कहानी है उस पर आज हम बात करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर बांग्लादेश भारत को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 2007 के वनडे विश्व कप की। बांग्लादेश ने भारत को पहली पारी में कम टोटल पर ऑल आउट कर दिया और करारी शिकस्त दी। बताते चले, राहुल द्रविड़ की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.3 ओवर में सिर्फ 151 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। टीम के लिए ओपनर सौरभ गांगुली ने 66 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह 47 रन का स्कोर किए थे। वहीं कुल इनके 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी समेत 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। इस दौरान बांग्लादेश की ओर से मशरफे मुर्तजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक और मोहम्मद रफीक ने 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। इस दौरान मुर्तजा ने 9.3 ओवर में 38 रन, रज्जाक ने 10 ओवर में 38 रन और रफीक ने 10 ओवर में 35 रन खर्च किए थे। यानी कि 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने 48.3 ओवर में 5 विकेट पर जीत अपने नाम कर ली। टीम के लिए मुशफिकुर रहीम ने 56, साकिब अल हसन ने 53 और ओपनर तमीम इकबाल ने 51 रनों की पारी खेली थी। फिलहाल इस मुकाबले में आप ये भी कह सकते हैं कि साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम को खेलने की उम्मीद है, क्योंकि इस मुकाबले में जिस तरीके से उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे तमीम इकबाल, इस मैच में यानी कि वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है। इस दौरान भारत की ओर से मुनव पटेल और वीरेंद्र सहवाग ने 2-2 विकेट लिए थे। वहीं जहीर खान को 1 सफलता मिली थी। भारत के लिए बेहद ही खराब रहा था विश्व कप, यानी कि 2007 जो विश्व कप था उसमें टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के 3 में से 2 मैच गंवाकर बाहर हो गई थी। भारत को बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका के हाथों भी 69 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। राहुल द्रविड़ की कप्तानी टीम इंडिया के सिर्फ बरमूडा को 257 रनों से शिकस्त दे सकी थी। लेकिन 2023 के विश्व कप में जो उलटफेर हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। यानी कि गौरतलब है कि भारत में खेले जा रहे वनडे विश्व कप 2023 में अब तक 2 बड़े उलटफेर देखने को मिल चुके हैं। पहला उलटफेर अफगानिस्तान ने बीते रविवार यानी कि 15 अक्टूबर को टूर्नामेंट के 13वें मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराकर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद इस तरीके से मंगलवार को यानी कि 17 अक्टूबर को नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट के 15वें मुकाबले में हराकर दूसरा सबसे बड़े उलटफेर को अंजाम दिया। लेकिन जो आज मुकाबला होगा इसमें कई चीजें बदली हैं। आप सबको पता होगा कि यह मुकाबला पुणे में खेला जाएगा और पुणे के पिच को बैटिंग के लिए वरदान माना जाता है। यानी कि इस पिच पर इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई थी, लास्ट बार इंडिया इस पिच पर 2017 में खेलने उतरी थी, यानी कि दोनों के बीच में 6 पारी होती हैं, 3 मैचों की सीरीज थी और 5 बार 300+ स्कोर बने थे। यानी कि अगर आज आपके बल्लेबाज रोहित शर्मा, सुमन गिल या विराट कोहली कुछ बड़ी पारी खेल देंगे तो इससे किसी को ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वो जो पिच है उस पर धुआंधार बैटिंग होती है। उस पिच पर पूरी तरीके सपाट पिच है, बिल्कुल दिल्ली की तरह जो आपके बगल में है। दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरीके से रनों की बारिश हुई, तो आज सबको उम्मीद है कि उस पिच पर भी अगर टीम इंडिया टॉस जीती तो पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी और कम से कम 350+ स्कोर बनाएगी, क्योंकि पुणे के पिच का जो रिकॉर्ड रहा उस पर बाद में चलकर जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्पिनर बॉलर कुछ उनके पिच पर हावी होते हैं और जो पेसर्स होते हैं उनको भी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। जिस तरीके से आपकी टीम मैनेजमेंट, आपका टीम परफॉर्मेंस,
हर डिपार्टमेंट एक नंबर पर इस समय चल रहा है। वहीं बांग्लादेश के लिए थोड़ी मुश्किल की बात यह भी है कि आज इस मुकाबले में हो सकता है उनके कप्तान साकिब अल हसन ना खेल पाए, चोट के चलते वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके पास बॉलिंग अटैक है, जिस तरीके से उनके पास बैटिंग है, चाहे लिटन दास की बात कर लें, चाहे साकिब अल हसन की बात कर लें, अगर आज मैच में खेलते हैं तो मुस्तफिकर रहीम की बात कर लें, यानी कि उनके पास अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है, सारे खिलाड़ी आपके भी फॉर्म में हैं। आपके पास जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं, आज इस मैच में भी रोहित शर्मा सुमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। इस मैच में हो सकता है सूर्य कुमार यादव को मौका मिले, लेकिन हो सकता है ये भी कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया बड़े मैच के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि बड़े मैच मतलब आप ये समझ सकते हैं जब बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होगा, खास करके न्यूजीलैंड के सामने। और जो नंबर 4 का पोजीशन है उस पर काफी हद तक श्रेयस अय्यर अपने आप को अच्छे साबित कर भी चुके हैं, पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी। नंबर 5 की बात करें तो केएल राहुल, जिनके हाथों में इस समय ग्लव्स भी है, यानी विकेट कीपर बल्लेबाज। नंबर 6 पर आपके आएंगे हार्दिक पांड्या, जो आपको एक अतिरिक्त पेसर्स की यानी कि बॉलिंग की क्षमता देते हैं, एक अतिरिक्त आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं वो। नंबर 7 पर आपके ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर सर जडेजा। नंबर 8 पर आज इंडिया फिर से चाहेगी शार्दुल ठाकुर खिलाने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से आपके सिराज, कुलदीप और जसप्रीत बुमराह, यानी कि टीम आपकी पूरी तरीके से परफेक्ट है। आज इस मैच में यह भी हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को हटाकर आज मोहम्मद शमी को मौका दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद शमी भी इस मैच में, तीनों मैच में वो खेल नहीं पाए हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर के ऊपर टीम मैनेजमेंट, टीम इंडिया बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि इनको नंबर 8 तक बैटिंग ऑप्शन रखना है, यानी कि जब कभी खुदा न खास्ता आपका बैटिंग लाइनअप थोड़ा फ्लॉप रहे तो नंबर 8 पर आप शार्दुल ठाकुर को तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ये मुकाबला होगा, ये बड़ा स्कोर इसमें बनेगा, और जितने क्रिकेट प्रशंसक हैं वो सबको देखने मजा भी आएगा। इस मैच में हिटमैन के छक्के भी लग सकते हैं और विराट कोहली के कवर ड्राइव भी लग सकते हैं, सुमन गिल के स्कूप शॉट भी लग सकते हैं और केएल राहुल के पुल शॉट भी लग सकते हैं, बुमराह की यॉर्कर भी पड़ सकती है और कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग भी पड़ सकती है। फिलहाल ये मुकाबला 2 बजे शुरू होगा, जो टीम टॉस जीतेगी उसकी नजर रहेगी पहले बल्लेबाजी करने पर। वर्ल्ड कप से जुड़ी हर खबर के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए, हर मैच के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।